तो बहराइच में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे राजनीतिक पारा हाई होता जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत दलित पिछड़ा शोषित वंचित समाज को साथ कर चुनावी फतह करने के उद्देश्य से पूर्व मंत्री और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने बलहा विधानसभा में कार्यालय उद्घाटन करने के बाद क्षेत्र भ्रमण कर चुनावी बिगुल फूंक दिया। क्षेत्र भ्रमण के दौरान जगह जगह पर आपको बताते चलें कि पूर्व मंत्री के काफिले को रोककर उनके समर्थकों ने वहां पर उनका भव्य स्वागत किया। पूर्व मंत्री ने उर्रा स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर पूजन अर्चना के साथ दलित पिछड़ा समाज को संविधान में आस्था रखने का संदेश दिया। देर शाम पार्टी संगठन द्वारा गंगापुर में आयोजित पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधि सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा, आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे और आपके सहयोग से ही सरकार बनेगी, इसलिए समाज को साथ लेकर चलने के लिए सिर्फ जन अधिकार पार्टी से जोड़कर अपने हाथों को मजबूत कर अपने भविष्य को सुरक्षित करें। उन्होंने कहा कि भाजपा में शौर्य कुशवाहा समाज की उपेक्षा का आगामी विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी को अच्छा लाभ मिलेगा। आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, आपको अपने काम में लगे रहना चाहिए और आपको वो सावधान भी करते हैं, आपको अजमाते भी हैं कि आप टिके रहते हैं कि नहीं, कि टिक जाते हैं या डर जाते हैं, तो आपको वो अजमाते भी हैं कि आप में हिम्मत है कि नहीं राजपाट की लड़ाई के लिए, या आप किसी के एक बार के कहने से अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं या वापस चले जाते हैं। तो बहुत कुछ सिखा। तो वहीं दूसरी तरफ जनपद एटा के अलीगंज विधानसभा में आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर बूथ लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें 39 बीएलओ अनुपस्थित पाए गए, जिसकी बीआरसी और तहसील में प्रशिक्षण होना था लेकिन अनुपस्थिति के कारण उनका प्रशिक्षण नहीं हो पाया। ऐसे कर्मचारियों पर अब शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। उपजिलाधिकारी अलीगंज सहायक निर्वाचन अधिकारी SP वर्मा ने बताया है कि अनुपस्थिति बीएलओ अगर सोमवार या मंगलवार को उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते हैं तो सभी अनुपस्थिति बीएलओ पर FIR दर्ज करवाई जाएगी। इसमें ऐसा है कि 103 अलीगंज विधानसभा में आगामी विधानसभा निर्वाचन को लेकर के प्रत्येक बूथ पर बूथ लेवल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से लगभग 98% कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिनको बीएलओ में लगाया गया है। मतदाता सूची की शुद्धता और मतदाता सूची के कार्य तथा डोर टू डोर सर्वे के लिए कुछ बीएलओ हमारे उपस्थित नहीं हुए हैं। जो बीएलओ उपस्थित नहीं हुए हैं उनकी संख्या 39 है, उनके विरुद्ध अगर वो अगले सोमवार या मंगल तक बीआरसी में या तहसील अलीगंज में आरके कार्यालय से संपर्क करके और अपनी उपस्थिति। तो बहराइच के थाना जरवल क्षेत्र के करनेडी गांव में वर्तमान SC प्रधान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई न किए जाने को लेकर परिवारजनों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर मृतक प्रधान के परिजन धरना स्थल पर बैठ गए। उनका कहना है कि उनके पिता की हत्या अपराधियों द्वारा गोली मारकर की गई, इस संबंध में अभी तक पुलिस द्वारा किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। 40 दिन बीत चुके हैं। अगर बात की जाए तो 17 जून 2021 को उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें अपराधियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण परिजनों में रोष है। मृतक प्रधान के परिजन अपराधियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सत्रह जून को हमारे पिताजी की रात में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। आज 40 दिन के ऊपर हो रहा है, हम लोग दर दर भटक रहे हैं न्याय पाने के लिए, लेकिन आज तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस ऊपर से प्रताड़ित कर रही है। अब आपकी क्या मांग है? हम मेरी मांगे हैं कि जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको जेल भेज।